हेलो रॉन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज हम लोग महादेव पे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग देखने वाले हैं महादेव का रुद्र रूप और रुद्र अवतार भी इसको बोलते हैं, तो हम लोग देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने का आपको मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो कॉन्टेक्ट देखिएगा, पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों ने, मैंने और उमेर ने महादेव की जो सीरीज़ है देवों के देव महादेव, उस पर हम लोगों ने रिएक्शन मतलब बना रहे हैं, स्टार्ट किया है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाइए और जाकर हमारी महादेव की जो सीरीज है वो भी ज़रूर देखिए। तो ऐसा करते हैं, फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। चलो ये है महादेव का रुद्र रूप। वाओ, क्योंकि मैं अभी तक सीरीज पे यहां तक नहीं पहुंची हूँ, सो बहुत ही खतरनाक रुद्र, मतलब गुस्से वाला उसको बोलते हैं। महादेव बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं ऐसे तो। सब लोग जहाँ आ गए वहां पे आ गए। पूरी वो जो है जगह वो तबाह होने वाली है। सारा शहर तबाह होने जा रहा है। महादेव के सामने लगता है कि ये आर्मी टिक पाएगी, कभी नहीं। खुद विष्णुदेव आए हैं, उनसे भी नहीं रुकेंगे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मतलब बहुत ही ज्यादा। किसी को नहीं देख रहे सामने। बांधने का ट्राई किया है विष्णुदेव ने, बट नो, नहीं। काली माँ वो आ गई हैं अब उनकी मदद करने के लिए। महाकाली आई, उनके उनके अंदर से मार रही है। प्रजापति दक्ष की अब खैर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है प्रजापति दक्ष का अंत है ये। कहाँ तक भागेंगे? गूज़बम्प्स आ रहे हैं सीरियसली, बहुत ही ज्यादा। कभी नहीं देखा महादेव को। मुझे लगता है ये शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव
मतलब सीरियसली मुझे मैं होता ना शॉक, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो चीज़ है ना कि ऐसे लग रहा था कि रियल में मैं देख रही हूँ, और इतना ज़्यादा गुस्सा, और एंड में प्रजापति का एंड ऐसे होने वाला है. मैं क्योंकि ये सीरीज़ देख रही हूँ उसकी वजह से वो ना चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना आपको पता है कि हार्ट टू हार्ट फील होती है, क्योंकि आप अटैच्ड हो जाते हो उस चीज़ से. वो मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि महादेव को इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, और ये महादेव का रुद्र अवतार था. रुद्र का मतलब होता है गुस्से वाला अवतार, आई थिंक सो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अवतार में उनका गुस्सा ही दिख रहा था. इतना गुस्सा कि विष्णु देव भी उनके सामने उनको रोक नहीं सके. कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनको रोक सके, और खुद क्योंकि खुद का उनको खुद भी इतना गुस्सा है कि खुद को अगर खुद भी वो चाहे तो नहीं रोक सकते हैं. इतना ज़्यादा गुस्सा और ऐसा उनका अवतार है. और मैं सीरियसली मैं बता नहीं सकती कि इनका ये रूप देख के मुझे मतलब क्या फील हो रहा है और क्या लग रहा है मुझे. मैंने होता ना हमेशा उनको मुस्कुराते हुए देखा है, या हमेशा उनको ध्यान लगाते हुए देखा है, कभी उनको मैंने ऐसे गुस्से में नहीं देखा. और जब मैं सीरीज़ देख रही होंगी उसमें ये सीन आएगा, मुझे पता लगेगा कि ये सीन क्यों आया है, तो उस टाइम पे मतलब क्या हालत होगी और क्या होगा. मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ना मतलब कि होता है ना कि ख़तरनाक सीन और ख़तरनाक ये था, और गूज़बम्स आ रहे थे महादेव को ऐसे देख के. मतलब सीरियसली बहुत 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 कमाल का और बहुत ही ख़तरनाक ये सीन था. और लेकिन इसके पीछे मैं बोलूँगी कोई बहुत बड़ी वजह होगी, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह जिसकी वजह से महादेव का ऐसा रूप देखने को मिला और ऐसे रूप में वो थे. क्योंकि आमतौर पे उनको किसी बात पे गुस्सा नहीं आता है, वो उनको उनके तो इतने नाम को तो बोलते हैं कि वो भोलेनाथ हैं, इतने मतलब मासूम हैं कि छोटी सी किसी बात पे भी उनके जो भक्त होते हैं अगर वो मतलब कि उनको बुलाएं तो वो खुश हो जाते हैं और वो आते हैं. और ऐसा गुस्सा और ऐसा कि वो किसी से भी रुक नहीं रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बहुत बड़ी वजह होगी. लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप प्लीज़ मुझे मत बताएं, क्योंकि मुझे खुद देखना है और मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, और मैं खुद देखना चाहूँगी कि ऐसी क्या वजह होगी कि महादेव का ऐसा रुद्र रूप और रुद्र अवतार देखने को मिलता है. मैं सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मतलब होता है ना कि इनके बहुत ज़्यादा अवतार हैं, उनमें से एक अवतार ये भी है, और ये देखने को मिला. लेकिन ये वो क्या ऐसा हुआ होगा कि क्या ऐसा किसी ने किया होगा, और अगर वो प्रजापति दक्ष जो हैं उनसे बदला ले रहे थे, उनको उन्होंने मार दिया, तो ज़रूर उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ की होगी, इसी की वजह से उनका एंड ऐसे हुआ है. और वो रुद्र रूप उनका जगाया है महादेव का, जो प्रजापति दक्ष है उन्होंने, और उनको तो ये था कि पूरी की पूरी धरती जो है इसको ही तबाह किया जाए, मतलब ऐसा वाला उनका रूप था. बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं ये देखकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये देखकर अच्छा लगा होगा. और उसकी वीडियो आज की जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊँगी सबकी सब महादेव पे होंगी, स्पेशली क्योंकि महाशिवरात्रि है. तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा. बस मेरी दुआ है कि वीडियो अपलोड होती है, क्योंकि वीडियोज़ कुछ ऐसी होती हैं, कुछ सॉन्ग्स और म्यूज़िक ऐसे होते हैं कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अपलोड हो सीरियसली. और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना वो देख के किसी को पता कि गुस्सा देख के तो आप डर जाते हो, वैसी वाली फीलिंग आ रही है मतलब. लेकिन ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आपको मिलते रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में. अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.